हराम खाने कुछ भी नहीं कर रहा, खाया भी नहीं जाता, मगर पकाना भी है, तो इसलिए मैं आज थोड़े से पुलाव खा रही हूँ, चिकन पुलाव और थोड़े से मटन के साथ। और ये है आज की रेसिपी। ये मैंने प्याज डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसके साथ दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें शामिल है उस काली मिर्चों के दाने, तकरीबन ये चार के करीब लौंग हैं जो हम डाल रहे हैं, और इसके साथ एक और चीज़ करके दो और चीज़ें जो काली मोटी काली इलायची होती है वो डाल रहे हैं, और थोड़ी सी डाल देंगे आप दालचीनी, क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो अच्छा बन जाता है। प्याज थोड़े डार्क ब्राउन होने देंगे ताकि हमें हल्दी ना डालनी पड़े। मैं हल्दी नहीं डालना चाह रही, हल्दी क्योंकि कलर आ जाता है, नहीं तो ये जो चावल हम सेम से रह जाएंगे, इसलिए कलर देने के लिए जो प्याज है उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसके अंदर मैं दो चीज़ें ऐड कर लूँगी। एक तो है जीरा, और ये तकरीबन एक चम्मच के करीब मैंने जो है टेबल स्पून गुड़ डाल लिया है, और थोड़ी सी हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी ताकि ये जले नहीं हो, पानी कवर कर देंगे ताकि छींटे भी बाहर नहीं आए, वो ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि छींटे आने से बाकी सारी बिस्किट की और चूल्हा और सब चीज़ खराब हो जाती है, तो कवर करके मोटी पानी डालना पसंद करती हूँ। और एक मिनट के बाद इसको हटा के मिक्स कर लेंगे। इसको दो मिनट के लिए पकने देंगे, कवर कर देंगे। अच्छा, ये दो मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, और जो प्याज है वो अच्छे से डाल चुके हैं, और अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और थोड़ा सा मेरे पास चिकन है जो कि मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं ताकि टेस्ट अच्छे से इसके अंदर हो जाए, नहीं तो अगर मैंने आपको पहले भी बोला है जैसे अगर चिकन पीसेस बड़े बड़े होते हैं तो जो टेस्ट है वो अंदर तक शामिल नहीं होता, तो इसलिए मैं ये छोटे पीसेस प्रेफर करती हूँ। और इस टाइम में आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, अगर टमाटर डालना चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, मगर टमाटर डालने से सोखी हो जाती है, तो मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी चिकन के साथ। अच्छा, एक चीज से चिकन फ्राइड हो चुका है, इसको दो मिनट और पकने दूँगी, और इसमें डाल दूँगी थोड़े से मटर जो कि छीके मैंने फ्रीज किए हुए थे, और जो मटर है फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि वो सब हो जाते हैं, पर उसको अपना पानी ऐड कर दूँगी।
जिंदगी में तकरीबन 1 कप के करीब जो चावल है पका रही हूँ, तो इसके लिए मुझे तकरीबन 3 कप पानी डालना होगा। ये थोड़े से जो मटर हैं वो गल जाएं, तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। इतनी देर में इसको कवर कर देंगे। ये तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसका पानी ड्राई हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि मैं तकरीबन 1 कप के करीब चावल बना रही हूँ। तो ये 3 कप के करीब पानी है जो मैंने ऐड कर दिया है और इसको कवर कर देंगे कि इसमें बॉयल आ जाए, यानी बॉयल होना शुरू हो जाए। तो इसमें चावल डाल देंगे, इसलिए मैं इसको कवर कर दूँगी। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये उबलना शुरू हो रहा है पानी। तो इसमें हम डाल देंगे चावल और ये है तकरीबन 1 कप के चावल। छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ताकि ये पकना शुरू हो जाए और उसका पानी ड्राई अप होना शुरू हो जाए। तो ये आप इसका देख सकते हैं पानी काफ़ी ड्राई अप हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे जब तक ये पानी बिल्कुल पीले में नहीं रह जाता, यानी बॉटम में रह जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे दे देंगे। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल स्लो हीट करके लो फ्लेम पे इसको दम दे देंगे। पहले हमें फ्लेम स्लो कर लो, ये मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसको ये दम पे दे दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये 10 मिनट गुजर चुके हैं और इनको दम आ चुका है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज से फूल चुके हैं और चूल्हा बंद कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये रेडी हो चुके हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप इसको ऑब्जेक्ट कर देंगे और आज मैं एक फूड फ्यूजन कर रही हूँ एक चीज़ के साथ जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी दूसरे चूल्हे पे। व्यूअर्स, ये चावल आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं जो कि मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और ये आप देख सकते हैं प्लेट में, और साथ में थोड़ा सा रायता बना लिया है। और ये चावल हैं और ये है आज की हमारी फाइनल डिश। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।